हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, रेलवे की तरफ से शानदार अपडेट आ रही है। जैसा कि कुछ दिन पहले ही टेक्नीशियन की भर्ती के बारे में एक एडवांस नोटिफिकेशन जारी किया गया था, और रेलवे टेक्नीशियन भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो आज जारी कर दिया है। यानी कि रेलवे में टेक्नीशियन की 9,000 पदों पर भर्ती आ रही है और 9 मार्च से इसके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। देखिए, वैसे इस बार भर्ती है वो कम है, लेकिन जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने ऑफिशियल वेबसाइट पर लेटर जारी करके भी बता दिए, हम भर्ती हैं इनको रेगुलर करने वाले, और यही भर्ती 25 के अंदर भी आने वाली है। तो पदों की संख्या थोड़ी सी कम जरूर है, लेकिन अब रेगुलर भर्तियां आएगी तो रेलवे भर्ती की भी आपको तैयारी जरूर करनी चाहिए। आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले टेक्नीशियन भर्ती जो 2024 है, नंबर ऑफ वैकेंसी 9,000 है, लेकिन इसमें भी कुछ इस प्रकार की वैकेंसी है। यानी कि अवसर के अंदर अवसर किन बच्चों के लिए, उनके बारे में खास तौर से बात करेंगे। कुछ इस प्रकार की आईटीआई की ट्रेड है जिनके नाम मात्र की कट ऑफ रहती है। 18-19 भर्ती की कट ऑफ के बारे में बात करें तो कुछ जोन तो ऐसे थे कि उन ट्रेड में से जिन बच्चों ने क्वालिफाई कर दिया ना हर एक स्टेज को, उन बच्चों को भी नौकरी मिल गई, और कुछ जोन की वैकेंसी सीटें भी खाली गई थी। तो आप में से या फिर आपका कोई रिलेटिव इस प्रकार का जानकार हो कि उन ट्रेड में से आए और वैकेंसी कम है ये देख करके छोड़ दे, ऐसा नहीं हो तो उन बच्चों से फॉर्म जरूर भरवाना। और साथ ही जिन बच्चों को थोड़ी सी तैयारी अच्छी करने की जरूरत पड़ेगी, जिनको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, यानी कि हाई कट ऑफ वाली ट्रेड, उनके बारे में भी अपन बात करने वाले हैं, ठीक है। बाकी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी। जो 18-19 भर्ती रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन की जितने भी सीबीटी 1 के पेपर्स है, सारे के सारे मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रखे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उनका आप जरूर फायदा उठाना। और टेलीग्राम चैनल पे तकनीकी भर्तियों से संबंधित बहुत सारी इंफॉर्मेशन है वहां पे मैं डालता रहता हूं, क्योंकि टेक्निकल भर्तियों के लिए अपना स्पेशल चैनल है, तो वहां पे आपको चीजें मिलती रहेगी। बाकी जिन बच्चों को हैंड रिटन नेट्स की जरूरत है आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के लिए, जीके और जीएस के दोनों कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स हैं, लगभग 600 पेज के, और 2023 का पूरा करंट जीके 1 लीनियर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, ये आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन टेक्निकल जॉब ज्ञान पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, ठीक है। एप्लीकेशन में जाने के बाद में ऑल पेड कोर्सेज के अंदर आप जाओगे तो बिल्कुल नॉमिनल चार्ज के अंदर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, पूरे के पूरे हैंड रिटन नोट्स हैं, और डिटेल में कंटेंट है जिस हिसाब का आपके पास में समय है ना भी तैयारी करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग पूरा विस्तार से आप इन सब्जेक्ट को तैयार कर सकते हो। बात कर लेते हैं दोनों ही चीजों के बारे में। सबसे कम कट ऑफ वाले ट्रेड के बारे में बात करेंगे, और जिनकी थोड़ी सी हाई जाती है उनके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। जो भी बच्चा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं ना, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तकनीकी भर्तियों के बारे में, हर एक तकनीकी भर्ती के बारे में यहाँ पे आपको जानकारी और गाइडेंस समय समय पे मिलती रहेगी। देखिए, सबसे ज्यादा कट ऑफ वाली ट्रेड के बारे में अगर अपन बात करें ना, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि जो बच्चे 12th से फॉर्म भर रहे हैं ना, 12th पीसीएम से जो बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, पीसीएम से जो बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, यानी कि सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन की पोस्ट के लिए, उनकी कट ऑफ है वो पिछली बार भी बहुत ज्यादा गई थी, 85 से लेकर के कई जोन की 90% तक गई थी। तो इस बार तो वैकेंसी कम है, उन बच्चों को जबरदस्त तैयारी करने की जरूरत पड़ेगी। यानी कि वो बच्चे किसी भी जोन से अप्लाई कर रहे हैं ना, पहले ही अपना टारगेट है ना वो 90% लेके चलना, इससे कम कट ऑफ रहने के बहुत कम चांसेस है, क्योंकि इस बार इनकी वैकेंसी है वो बहुत कम होने वाले, पिछली बार भी कम थी लेकिन इस बार तो और भी सीटों की संख्या कम है। तो जो बच्चे पीसीएम से सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, उनको जबरदस्त तैयारी करने की जरूरत रहेगी। पहली ट्रेड तो यह, दूसरी ट्रेड अगर इसके बाद में हाई कट ऑफ वाली कौन सी है, तो वो है कोर ट्रेड, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले बच्चे अभी से सावधान हो जाना, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन में आईटीआई के बच्चे सबसे ज्यादा होते हैं, तो इस बार भी इनकी कट ऑफ है वो ज्यादा ही जाने वाले। पिछली भर्ती की कट ऑफ है ना, उनके बारे में मैंने एक सेपरेट डिटेल में वीडियो बना रखा है, तो पूरा एनालिसिस आपको उस वीडियो के अंदर मिलेगा, आप देखोगे तो पाओगे। आईटी की ट्रेड में जिस ट्रेड की सबसे ज्यादा कट ऑफ जाती है रेलवे में, वो ट्रेड कौन सी है, वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, ठीक है। और उसके बाद इलेक्ट्रीशियन के बाद में अगर अपन बात करें, इससे थोड़ी सी नीचे कट ऑफ किसकी रहती है, तो वो ट्रेड है फिटर ट्रेड। कौन सी ट्रेड है? फिटर ट्रेड है। यानी कि ये तीन जो बच्चे हैं ना, उनको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद में अगर अपन देखें तो लो कट ऑफ वाली ट्रेड स्टार्ट हो जाती है, एमएमवी ट्रेड है ना, जिसको अपन मोटर मैकेनिक ट्रेड बोलते हैं, तो वो है, इसकी कट ऑफ ज्यादा नहीं जाती,
है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं होते और ठीक ठाक रेलवे वैकेंसी आती है। तो ये कुछ ट्रेड है, यहाँ तक मैं मान सकता हूँ। पीसीए में इलेक्ट्रिशियन है और फिटर है, इनकी कट ऑफ है वो थोड़ी सी ज़्यादा जाती है, तो आपको तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी। और वैसे भी आपके पास में अभी टाइम है, इस भर्ती की तैयारी करोगे तो आपको इसमें परिणाम मिले या नहीं मिले ये एक अलग चीज़ है, लेकिन 25 में भर्ती आएगी तो वहाँ पर भी इस तैयारी का आपको फायदा मिलेगा। इसलिए डिटेल में सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से पढ़ना, नोट्स वगैरह प्रॉपर आप तैयार करना, पढ़ना, आपको फायदा मिलेगा। ये तो बात हो गई, थोड़ी सी डेंजर है जिनको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। उसके बाद में सबसे कम कट ऑफ के बारे में अगर अपन बात करें, सबसे कम कट ऑफ यानी कि इनमें से किसी भी ट्रेड में आप हो या फिर आपका कोई रिलेटिव है तो भर्ती भले ही कम हो, उन बच्चों से फॉर्म जरूर भरवाना, क्योंकि वैकेंसी रेलवे में इनकी अच्छी आती है और फिर बच्चे ज़्यादा नहीं होते इन ट्रेड के। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कई सारे जोन में पिछली बार खाली गई थी, यानी कि भले ही इस बार 9000 वैकेंसी हो, लेकिन जो मैं आपको लगभग 8-9 ट्रेड बताऊंगा ना, इन ट्रेड में से कोई भी बच्चा, तो हर एक स्टेज को जो बच्चा क्वालिफाई करता जाएगा ना, फिर भी वो बच्चा नौकरी लग जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर अपन बात करें तो सबसे पहली जो ट्रेड है वो ट्रेड है वेल्डर ट्रेड। कौन सी ट्रेड है? वेल्डर ट्रेड। वेल्डर इस प्रकार की ट्रेड है, रेलवे के अंदर बहुत ज़्यादा इसकी वैकेंसी आती है, लेकिन बच्चे इसके बहुत ज़्यादा नहीं होते आईटीआई के हुए। आईटीआई के हुए ठीक ठाक बच्चे होते हैं, लेकिन रेलवे में सबसे ज़्यादा जरूरत है ना वो वेल्डर ट्रेड की है, और ख़ास तौर से वर्कशॉप वगैरह में कई जानकारी बच्चे मेरे लगे हुए भी है, तो सबसे ज़्यादा वो बोलते हैं कि इन्हीं की जरूरत रहती है वेल्डर वालों, क्योंकि वर्कशॉप के अंदर ट्रेन निर्माण का काम होता है, सबसे ज़्यादा वेल्डर की जरूरत होती है। संविदा वाले जो भी आती है ना, सबको वेल्डर बना देते हैं, तो वेल्डर ट्रेड है, बहुत अच्छे चांसेस रहेंगे इसके अंदर। उसके बाद में जो दूसरी ट्रेड है वो ट्रेड है प्लम्बर ट्रेड। प्लम्बर ट्रेड, इसमें भी किसी भाई ने आईटीआई कर रखे तो फॉर्म जरूर भरवाना। और तीसरी ट्रेड अगर अपन बात करें तो वो ट्रेड है पेंटर ट्रेड। पेंटर वाले बच्चे हैं वो भी इसके अंदर आवेदन जरूर करिएगा। पेंटर की भी कमी कट ऑफ रहती है, हालांकि हर एक जोन के अंदर इसकी वैसे वैकेंसी नहीं मिलती है। उसके बाद में मेसन ट्रेड है। कौन सी ट्रेड है? मेसन ट्रेड, क्योंकि इस प्रकार की ये ट्रेड है जिनकी वैकेंसियां अदर डिपार्टमेंटों में तो आती नहीं, इसलिए लोग आईटी नहीं करते, लेकिन रेलवे में जब भी भर्ती आती है ये बिल्कुल झट से लग जाते हैं ये बच्चे। 18-19 भर्ती के अंदर भी ये देखा गया था, ठीक है। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो 5 नंबर अपनी ट्रेड है कारपेंटर ट्रेड। कौन सी ट्रेड है? कारपेंटर ट्रेड है। कारपेंटर की भी अच्छी वैकेंसी भी ठीक ठाक रहती है, इनकी जरूरत रहती है रेलवे के जो क्वार्टर वगैरह है, जो रेजिडेंशियल कॉलोनी वगैरह होती है, तो उनमें काम की जरूरत पड़ती है, तो कारपेंटर वाली हो ना। उसके बाद में अगली जो अपनी ट्रेड है जिसकी कम कट ऑफ है वो काफ़ी कम जाती है, R&AC ट्रेड, यानी कि रेफ्रिजरेशन मैकेनिक वाले है ना, उनकी भी कट ऑफ कम जाती है, इनकी वैकेंसी भी ठीक ठाक रहती है, ठीक है। ये अपनी 6 ट्रेड हो गई। उसके बाद में देखिए मशीनिस्ट ट्रेड। कौन सी ट्रेड है उसके बाद में? मशीनिस्ट ट्रेड है, है ना, मशीनिस्ट ग्राइंडर है, इनकी भी कट ऑफ है वो काफ़ी कम जाती है, ये बच्चे भी फॉर्म अप्लाई जरूर करिएगा, ठीक है। और आप में कोई जानकार है तो उसके साथ में भी ये वीडियो शेयर करना, अगर इनमें से कोई बच्चा है तो। उसके बाद में आती है आपकी ट्रिमर ट्रेड। कौन सी ट्रेड आती है? ट्रिमर, ठीक है, ट्रिमर, ये इस प्रकार की ट्रेड है जिसके बच्चे ही नहीं मिलते, आईटीआई किए भी नहीं मिलते, तो फिर बाद में तो कट ऑफ तो कम जानी है ना। वेल्डर, मशीनिस्ट, मेसन, कारपेंटर अपने ले लिया ना, कारपेंटर होगी, आरएससी, मेल राइट एक ट्रेड और है ना, मेल राइट ट्रेड ना, ऐसा ही कुछ नाम है, टोटल ये 9 ट्रेड होगी। उसके बाद में जो मैंने आपको बताया MMB ट्रेड है ना, तो इसकी भी कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा नहीं जाती, हालांकि ये जो 9 ट्रेड है ना, इनमें से तो किसी ने आईटीआई कर रखी है, तो वो फॉर्म भरने से बिल्कुल भी मत चूकना, हर एक स्टेज आपको केवल और केवल क्वालिफाई ही करने आपको नौकरी मिल जाएगी। इनमें से किसी भी ट्रेड में से आप आते हो ना, तो वो जोन देख लेना जिस जोन में आपकी ट्रेड की वैकेंसी है, उस जोन से फॉर्म अप्लाई करके बस पढ़ाई करने लग जाना। जब तक पेपर होगा तब तक आप 3-4 घंटे रोजाना डेली की पढ़ाई करना, आपको इस भर्ती में नौकरी लगने से कोई रोक ही नहीं सकता, इतनी कम वैकेंसी है, फिर भी आपके चांसेस बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। बाकी मेहनत सभी को करनी है, क्योंकि वैकेंसी हर साल आएगी, ठीक है। तो उम्मीद है सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सभी पेपर्स वहां पर मैं डाल दूंगा, और भी बहुत सारी अपडेट्स है वो आईटीआई डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए रेगुलर मैं वहां पर अपडेट करता रहता हूँ। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने जरूरतमंद इन बच्चों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।